हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस सीरम का रिव्यू करके दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है, इसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मुझे ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। ये है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस फॉर ब्राइट एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन। तो इसकी ये आउटर पैकेजिंग है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है। तो ओपन करने पे ये ऐसी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। ये पूरी प्लास्टिक की बॉटल है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, इतना साइज़ है। ये मुझे 250 रुपीज़ की मिली थी। एंड ये देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। एंड ये 22 ml की बॉटल है। एंड इसमें क्लेम किया गया है कि ये आपके स्किन में 10 लेयर डीप जाके वर्क करता है। एंड इसे आपको दिन में दो बार यूज़ करना है, जिसके लिए आपको 3 to 4 ड्रॉप्स लेनी है। ये पूरा वाटरी फॉर्म में है आप। एंड ये एज अ टोनर भी वर्क करता है एंड मॉइस्चराइज़र भी वर्क करता है। इसको फेस में अप्लाई करने पे आपको बिल्कुल भी स्टिकी नहीं फील होगा। आप इसे जब फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी ही आपकी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने स्किन में कुछ लगाया हुआ है। बट हाँ, ये ड्राई स्किन के लिए मेरे ख्याल से वर्क नहीं करेगा, एंड ऑयली स्किन के लिए तो ये परफेक्ट है। एंड अगर आपको इसमें माइक्रो एसेंस से अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे यूज़ करिएगा। इसमें क्लेम किया गया था कि ये पिगमेंटेशन को दूर करता है, एक्ने प्रॉब्लम को दूर करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे स्किन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इससे ये बेनिफिट तो ज़रूर होता है कि आपकी जो स्किन है ना, वो थोड़ी ग्लोइंग लगने लगती है, बट वो ग्लोइंग स्किन भी आपको एक टाइम तक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ग्लोइंग स्किन होती जाएगी। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस।